तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल की उन टीमों में से है जिसे अभी भी अपने आईपीएल के पहले खिताब का इंतजार है, और आईपीएल 2024 में अपने पहले खिताब जीतने का ख्वाब अगर इनको पूरा करना है तो अपने स्क्वाड को बहुत ही मजबूत बनाना होगा, और मजबूत स्क्वाड बनेगी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में, क्योंकि वहाँ पर सभी खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगाई जाएगी। और आज हम बताने वाले हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है, हु आर दोस प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स के टीम के निशाने पे होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबरें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके ज्वाइन करें। और हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और इस लिस्ट में यानी कि दिल्ली के टॉप 5 टारगेट खिलाड़ियों के लिस्ट में पांचवें नंबर पे आते हैं शाहबाज अहमद, जिनको हमने आरसीबी के टीम में खेलते हुए देखा है, लेकिन आरसीबी के टीम में इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के टीम के लिए ये खेले और वहां पे इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। एज ए ऑलराउंडर इनका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, जहां पे बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी से भी इन्होंने मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छे क्रूशियल विकेट निकाल के दिए, और इस टाइप के खिलाड़ी की जरूरत दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जरूर होगी। ये अक्षर पटेल के बैकअप का भी रोल हो सकते हैं, एंड इवन दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनको एज ए फर्स्ट चॉइस भी प्लेइंग 11 में देख सकती है, एंड दैट्स व्हाई शाहबाज अहमद इज एट नंबर 5 इन द लिस्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स टॉप 5 टारगेट प्लेयर। चौथे नंबर पे आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन। न्यूजीलैंड के टीम के इस गेंदबाज ने T20 वर्ल्ड कप में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। हमें याद है एक मुकाबले में इन्होंने 4 ओवर फेंके थे और चारों के चारों मेडन थे और 3 या 4 विकेट भी निकाले थे। मतलब ये बताता है कि लॉकी फर्ग्यूसन किस तरह के गेंदबाज हैं। आईपीएल में बेशक विकेट थोड़ा चेंज होता है, लेकिन इनकी स्पीड उतनी ही रहती है, तेज तेज गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, इनकी लाइन लेंथ अच्छी होती है, और दिल्ली कैपिटल्स के टीम को इस विदेशी तेज गेंदबाज के पीछे जरूर जाना चाहिए। 2024 में आरसीबी के लिए भी जितने मैचेस इन्होंने खेले वहां पे इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक विदेशी तेज गेंदबाज के तौर पे लॉकी फर्ग्यूसन को जरूर टारगेट कर सकती है। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं इंडियन गेंदबाज हर्षल पटेल। पंजाब किंग्स के टीम के लिए आईपीएल 2024 में हर्षल पटेल पर्पल पटेल बने, यानी कि आईपीएल 2024 का पर्पल कैप हर्षल पटेल ने ही जीता। ये दूसरी बार था जब हर्षल पटेल ने पर्पल कैप जीता था, और पर्पल कैप जीतना कोई इतनी बड़ी आसानी बात होती नहीं है, एक नहीं दो दो बार ये जीत चुके हैं। अगले साल शायद पंजाब की टीम में ये रिटेन ना हो, क्योंकि पंजाब के पास और भी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे कि अर्शदीप सिंह हो गए, राहुल चहर हो गए, आशुतोष शर्मा भी है, शशांक सिंह भी है, तो ये सभी खिलाड़ी हैं जिसके वजह से पंजाब की टीम शायद हर्षल पटेल को रिलीज कर दे और मेगा ऑक्शन में आ आते हैं, तो दिल्ली की टीम इस गेंदबाज के पीछे जरूर जाएगी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हैरी ब्रूक। आईपीएल 2024 के ऑक्शन से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इनको खरीदा था, लेकिन कुछ फैमिली इशू होने की वजह से ये आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। आईपीएल 2025 में अपना नाम जरूर देंगे, और वहां पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बल्लेबाज को एक बार फिर से अपनी टीम में लेने की पूरी कोशिश करेगी। एक युवा टैलेंटेड बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर के गेम को चलाना जानते हैं, बॉल स्ट्राइकिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ये खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, इसी वजह से आईपीएल 2024 में इनको दिल्ली ने खरीदा था। अनफॉर्चुनेटली आईपीएल का हिस्सा तो नहीं हो पाया इस साल, लेकिन अगले साल जब दिल्ली की टीम इनको खरीदेगी तो ये दिल्ली के प्लेइंग 11 में भी दिखेंगे। और उसके बाद इस पूरी लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं एक तबाह तोड़ ओपनर ट्रेविस हेड। सनराइजर्स हैदराबाद के टीम का हिस्सा है, और मैंने अपने वीडियो में पहले भी आपको बताया है कि शायद इस आरएच की टीम ट्रेविस हेड को रिटेन ना कर पाए, क्योंकि दो विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करने का रूल आएगा, जो पैट कमिंस और उसके साथ साथ हेनरिस क्लासिन हो सकते हैं, और ऐसे में ट्रेविस हेड के रिलीज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ट्रेविस हेड रिलीज होते हैं तो ये ऑक्शन में आएंगे, और दिल्ली के टीम को डेविड वार्नर का रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा जो कि जेक फ्रेसर मगर के साथ ओपनिंग कर सके। और दो ऑस्ट्रेलियन ओपनर जेक फ्रेसर मगर और ट्रेविस हेड, जब ये दो बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे तब तो भाई
पावर प्ले में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ सकती हैं, और इसी वजह से मैंने नंबर एक पे ट्रेविस हेड को रखा है, जो कि दिल्ली के टॉप टारगेट खिलाड़ी हो सकते हैं मेगा ऑक्शन में। अगर आप भी मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करते हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ऐसी वीडियो हमने बाकी सभी टीमों के ऊपर अपलोड कर दी है, जैसे कि RCB, चेन्नई और जितनी भी टीमें IPL की, सभी टीमों के ऊपर चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो अभी जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज़ आप मिस करेंगे। इससे अच्छा सब्सक्राइब करके जाएँ।